हेलो गाइस, वेलकम टू द आर्की बॉय गेमिंग गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से ऐसा वाला थंबनेल अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस, हम यहां पे अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड इसको ओपन करने के बाद हम अपना जो टेक्स्ट है उसे एडिट करेंगे। टेक्स्ट में हम अपना जो भी है वो यहाँ पर डाल लेते हैं एंड इसके बाद इसका हम फ्रॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉन्ट में डेस वाला हम फ्रॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे सिलेक्ट करने के बाद अल्ट्रा में सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे पीएस टच में एंड पीएस टच में जाने के बाद गाइज, सबसे पहले हमारा पैक आप डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ से जाके पैक डाउनलोड करना। पैक में वो सारी चीज़ें दी है मैंने जो कि थंबनेल में यूज़ होने वाली है। और यहाँ पर आपको पैक में एक पिक्चर मिलेगी जिसे आपको यहाँ पे लेना है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। एंड इस पिक्चर को आपको सबसे पहले एक टिंट दे देना है। टिंट में आपको पैरोट कलर आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, लाइट ग्रीन भी बोल सकते हैं। तो इस कलर का आपको एक टिंट दे देना है इसको। एंड इसके बाद हम इसमें ग्लोशन ब्लर ऐड करेंगे जो कि अराउंड रहेगा 15%। ठीक है, 15% तक आप ग्लोशन ब्लर इसमें दे देना। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लाइट टिंट भी इफेक्ट डाल देंगे, थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा बाजू से थोड़ा सा ब्लैक सा, थोड़ा सा लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा हम लाइटन डाल देंगे तो और भी थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा ना। तो लाइटन डालने के बाद अब इसमें हम हमारा कैरेक्टर ऐड कर देंगे। ठीक है, कैरेक्टर भी मैंने अपना पैक में दिया हुआ है। और वैसे अगर आप कोई और कैरेक्टर इसमें लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मैंने बहुत सारे पैक में कैरेक्टर दिए हुए हैं तो आप कोई भी उसमें से यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप अपना खुद का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर को थोड़ा सा एडजस्ट करके सेट कर लेंगे। एंड अभी आपको करना क्या है, कैरेक्टर का हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इस कैरेक्टर के डुप्लीकेट को हम लीनियर डोजेट कर देंगे। ठीक है, लीनियर डोजेट करने के बाद इसका जो ओपेसिटी है गाइज लीनियर डोज का, तो थोड़ा सा 50% रखेंगे एंड इसको जस्ट मच डाउन कर देंगे। अब हम फिर से इस कैरेक्टर का डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको भी लीनियर डोजेट कर देंगे। फिर इसमें हम एक ग्लोशन ब्लड ऐड कर देंगे और उसे फुल कर देंगे। एंड इसके बाद इसमें हम वही वाला टिंट ऐड करेंगे जो हमने बैकग्राउंड में ऐड किया था। और टिंट ऐड करने के बाद मेन वाले कैरेक्टर के इसको नीचे रख देना है ताकि कैरेक्टर के पीछे से थोड़ा सा ग्लो आ रहा है एंड लाइट्स आ रहा है ना। और फिर इसके ओपेसिटी जो है वो थोड़ा सा 75 थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि लाइट जो है थोड़ा सा कम लगे, बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। तो अराउंड 50 भी सही रहेगा, 50 तक कर लेते हैं इसका यार ओपेसिटी, अभी परफेक्ट लग रहा है। ओके, तो गाइज अभी हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम एक एम्प्टी लेयर ले लेंगे अपने आईडी के ऊपर एंड हमारा जो कैरेक्टर है उसका सिलेक्ट पिक्सल करके एम्प्टी लेयर पे जाके हम इसमें एक स्ट्रोक दे देंगे। ठीक है, स्ट्रोक उसी कलर का रहेगा जो कि हमारे बैकग्राउंड कलर है। स्ट्रोक में गाइज 1px का हम स्ट्रोक देंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें स्ट्रोक देने के बाद इसमें हम ग्लो दे देंगे। ठीक है, ग्लो अराउंड उसी कलर का रहेगा लेकिन इसका जो ब्लर है 25 या 30 रख लेना। ठीक है, 25-30 रख लेना ग्लो का। इसके बाद हम इसमें गाइज हम ग्लास इफेक्ट देंगे। ठीक है, ग्लास इफेक्ट अराउंड 20 तक रख लेना। और फिर इसका जो ओपेसिटी है गाइज उसे भी थोड़ा सा कम कर लेना, कम ज़्यादा कर लेना। उसके बाद इसमें हम कैरेक्टर में, अपने मेन कैरेक्टर में हम थोड़ा सा लाइटन दे देंगे, लाइटन वाला इफेक्ट दे देंगे ताकि जो साइड की जो लाइट है वो थोड़ी सी डाउन हो जाए। ओके, इतना हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन से जो टेक्स्ट बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसे सेट करेंगे। और इसके बाद हम कुछ ये वाला टूल सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे 3D को हम सिलेक्ट करके, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करके इसे एक अलग सा एक लेयर बना लेंगे 3D का। एंड 3D का लेयर बनाने के बाद इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके एडजस्ट करके हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद गाइज आपको करना क्या है, इसका जो ओपेसिटी है वो लगभग 30% आपको रख देना है ओपेसिटी 3D का। इसका ओपेसिटी कम करने के बाद हम इसमें ग्लोशन ब्लर ऐड करेंगे 3D में जो कि अराउंड 5% तक रहेगा ग्लोशन ब्लर हमारा। ठीक है, इसमें 5% का ग्लोशन ब्लर दे देंगे एंड फिर इसको हम हमारे कैरेक्टर के नीचे रख देंगे। ठीक है,
और फिर इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको सिलेक्ट पिक्सल करके हम उस डुप्लीकेट को एक स्ट्रोक दे देंगे ब्लैक कलर का। और स्ट्रोक अराउंड रहेगा 0.5 का, ठीक है, 0.5 का हम स्ट्रोक दे देंगे इसको। 0.5 का स्ट्रोक देने के बाद हम इसमें ग्लोशन ब्लर ऐड करेंगे और फिर इसको उस 3D वाले जो मेन 3D वाला जो है उसके नीचे रख देंगे। फिर जो अपना मेन टेक्स्ट है उसके ऊपर हम अभी एडिटिंग करेंगे, तो उसको सिलेक्ट पिक्सल करेंगे मेन टेक्स्ट को, एंड फिर हम उसको एक ग्रेडियंट दे देंगे, जो कि ये वाला आपको ग्रेडियंट दे देना है ब्लैक एंड वाइट वाला। ग्रेडियंट देने के बाद गाइज आपको इसमें टिंट में आना है, ठीक है। टिंट में आने के बाद हम टेक्स्ट को हम वही वाला टिंट देंगे जो हमने बैकग्राउंड में यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे गाइज, इसमें एक एम्प्टी लेयर ले लेंगे, ठीक है। एम्प्टी लेयर लेने के बाद हम टेक्स्ट को सिलेक्ट पिक्सल करके हम ब्लैक वाला स्ट्रोक दे देंगे, ठीक है। स्ट्रोक दे देंगे अराउंड 5 PX दे देना आपको स्ट्रोक। स्ट्रोक देने के बाद इसमें एक ग्लोशन ब्लर ऐड कर देंगे एम्प्टी लेयर में, जो कि अराउंड 5 से 10 रख लेना, ठीक है। 5 ग्लोशन ब्लर आप रख लेना, 5 का ग्लोशन ब्लर ऐड कर लेना इसमें। और फिर अपना जो टेक्स्ट का मेन है, मेन टेक्स्ट के नीचे इसको रख लेंगे, ठीक है। एम्प्टी लेयर को मेन टेक्स्ट के नीचे रख लेंगे, फिर कुछ इस प्रकार से आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। अब गाइज हम क्या करेंगे, मैंने जो पैक में पार्टिकल वाला एक दिया हुआ है तो उसको लगा लेना, और फिर उसको भी लीनियर डॉच करके उसका भी ओपेसिटी 75 कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे हम अब हमारे पैक में से जो भी डिजाइनेबल चीज़ें हैं वो हमारे थंबनेल में ऐड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने पैक में दी है डिजाइनेबल, तो आप जो मर्जी चाहे वो लगा के अपने थंबनेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं किस प्रकार की डिज़ाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, एंड जो भी यहाँ पे आप लगा रहे हो उसका थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन वगैरह कर देना, ठीक है, लिनियर डच करके, एंड उसी कलर का उसे टिंट वगैरह दे देना। तो ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइनेबल वाली ऐड करेंगे। तो आपको और एक चीज़ पैक में दिखाई देगी जो कि बहुत सारी लीव्स है, तो उसको भी हम ऐड करेंगे, एंड यहाँ पे 3D मोशन के ऊपर इसको लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद करना क्या है, इसको भी 3 दे देना है, ठीक है। अपना जो कलर है उसे 3 दे देना है। 3 देने के बाद उसका जो ओपेसिटी है वो भी 75% कर देना है, और फिर उसका एक डुप्लीकेट लेयर आपको क्लियर करना है। उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्म करके उसको फ्लिक्स एक्स कर देना है, ठीक है। फ्लिक्स एक्स करके आपको थोड़ा सा उसको उस साइड ले जाना है, एंड फिर उसको भी एडजस्ट करके लगा देना है। लगा देने के बाद इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, एंड इनका भी ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देंगे। तो सर ज़्यादा लग रहा है ना, 75 ओपेसिटी का थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ओपेसिटी कम करने के बाद ये और भी खूब लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट ज़्यादा दिख रहा है, तो इसमें हम लाइटिंग इफेक्ट दे देंगे बैकग्राउंड को, और इसका लाइट जो है थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा लाइट अगर बैकग्राउंड में कम हो जाएगा तो और भी बढ़िया लगेगा। तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा थंबनेल गाइज बन चुका है। अगर आपको ये पसंद आता है ट्यूटोरियल तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।